आप सब लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपने अपनी जिंदगी में खुश होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल किंग कैफी व्लॉग्स पे। गाइस आज मैं आपको जो कि प्रसिद्ध है, मैंने अपने वीडियो पे चैनल पे वीडियो भी डाल रखा है श्री सांवलिया सेठ का ब्लॉग, तो आज मैं श्री सांवलिया सेठ मंदिर की जानकारी डिटेल दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, जो चैनल पर नए हो चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे हो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो में एंड तक बने रहें। श्री सांवलिया सेठ मंडफिया राज की जानकारी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करें। मंदिर अपनी सुंदरता और विशेषताओं के कारण हर साल लाखों भक्त को बरबर ही अपने ओर आकर्षित करता है। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा या दानपात्र माह में एक बार खोला जाता है। यह चतुर्थी को खुलता है और इसके बाद अमावस्या को मेला शुरू होता है। होली पर यह डेढ़ माह और दीपावली पर दो माह में खोला जाता है। सांवलिया जी मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है जो गुलाबी बलुआ पत्थर में निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में सेठ सांवलिया जी की काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है जो भगवान कृष्ण के रंग को दर्शाती है। सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्शांकन की गई है, जबकि फर्श गुलाबी शुद्ध सफ़ेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। ऐसी मान्यता है भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। तत्कालीन समय में संत महात्माओं की जगह में मीराबाई एक मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी ही एक जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। बताया जाता है कि जब औरंगजेब की सेना मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही थी तब मेवाड़ में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। मुगलों के हाथ लगने से पहले ही संत दयाराम ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुड़ भातसोड़ा की छापर में एक वृक्ष वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया। 1840 में मंडफिया ग्राउंड निवासी बोलाराम गुज्जर नामक ग्वाले को सपना आया कि भातसोड़ा बागुड़ गांव की सीमा के छापर में भगवान की तीन मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सपना सही निकला और वहाँ से एक जैसी तीन मूर्तियाँ प्रकट हुई। तभी मूर्तियाँ बहुत ही मनमोहरी थी, देखते ही खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग पाठ्यक्रम एकत्रित हो गए। जिले के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया सेठ का मंदिर करीब 450 साल पुराना है। मेवाड़ राज परिवार की ओर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंडफिया मंदिर कृष्ण धाम के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।